ये स्पेंड में अभी पार्ट्स इसके लिख रहा हूँ, सभी पार्ट में जगह निकालना। सेवंथ पार्ट इसका है, हमने अभी तक लिखा सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में ए नंबर लेस और इक्वल टू फोर, जबकि फिफ्थ पार्ट में था ए नंबर लेस देन फोर, फोर्थ में था ए नंबर डिविजिबल बाय थ्री। फिर ये था सेवंथ पार्ट है इसका, सेवंथ में है और एट्थ लास्ट है। सेवंथ में ए नंबर ग्रेटर देन सिक्स, कह दिया ए नंबर ग्रेटर देन एथलिकली ग्रेटर देन सिक्स, सिक्स से ग्रेटर क्या होगा। एंड एट्थ में है ए नंबर लेस और इक्वल टू, ये है ए नंबर लेस और इक्वल टू सिक्स। ये एट पार्ट जैसे एक क्वेश्चन एक डाई थ्रो की जाती है, तो बताइए जो नंबर अपीयर होगा उसकी प्रॉबिलिटी निकालनी है, व्हाट द प्रॉबिलिटी ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस। अब जरा मैं इसको सॉल्यूशन निकालता हूँ, एक एक करके चलते हैं भाई। सॉल्यूशन देखिए, प्रॉबिलिटी क्या होती थी वैसे, प्रॉबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन इवन नंबर, सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस तो आपको बताइए सिक्स है, सिक्स इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि वन से लेकर सिक्स तक सैम्पल स्पेस है। हम लिखे थे सैम्पल स्पेस हियर, सैम्पल स्पेस एस इक्वल टू और पूरा या कैपिटल एस लिख दिया करें आप, या सैम्पल स्पेस लिख दिया करें, नो प्रॉब्लम। सैम्पल स्पेस ये है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्योंकि एक डाई थ्रो की जा रही है, ये डाइस इज थ्रोन और डाई इज थ्रोन, तो उसकी सिक्स आउटकम्स होते हैं, इवेंट्स होती हैं, वो हमने सैम्पल स्पेस में लिख दिया। सैम्पल स्पेस के में सिक्स टोटल आउटकम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस तो हमारा सिक्स होगा। अब हर केस में फेवरेबल केसेस आपको नोन है, दैट डिवाइड बाई सिक्स आंसर आ जाएगा। देखिए तो अब हम इसका नंबर पहले वाले केस में फर्स्ट केस निकालते हैं। पहले क्या है एन इवन नंबर, एक इवन नंबर आने की प्रॉबिलिटी क्या है, तो इस केस हम नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस में लिखा जाता हूँ एन ए, यहाँ पर हम चलिए फेवरेबल केसेस लिखते हैं। पहले फेवरेबल केसेस फेवरेबल केसेस फर्स्ट केस में कौन कौन से भाई, इवन सॉरी इवन नंबर क्या क्या है, टू फोर और सिक्स है ना, टू फोर एंड सिक्स इवन नंबर्स हैं, डाई थ्रो की जा रही है उसमें, दो तीन नंबर तो हैं इवन इवन नंबर्स। एक इवन नंबर होने की प्रॉबिलिटी क्या है, अगर कोई इवन नंबर आएगा उसकी प्रॉबिलिटी निकालनी है, तो उसकी प्रॉबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल केसेस थ्री हैं, यानी इसको आप एन ए लिख देते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इन दिस इवेंट, इसने थ्री हो गए। टोटल नंबर जो एन एस है, एन एस मतलब टोटल नंबर ऑफ इन द सैम्पल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस इन द सैम्पल स्पेस वो कितने हैं, वो सिक्स हैं भाई, तो थ्री अपॉन सिक्स इसका प्रॉबिलिटी आ जाएगी। हम प्रॉबिलिटी मैं इसको जरा रब कर देता हूँ ऊपर से, तो पहला हमारा यहाँ से फर्स्ट पार्ट हमने निकाला प्रॉबिलिटी ऑफ इवन नंबर, मैं लिख देता हूँ प्रॉबिलिटी ऑफ इवन नंबर इक्वल टू हो गया थ्री अपॉन सिक्स। फेवरेबल केसेस थ्री है, नीचे टोटल नंबर ऑफ केसेस, फॉर्मूला लिख देते ऊपर प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इक्वल लाइकली केसेस, तो थ्री फेवरेबल केसेस थे, टू फोर और सिक्स तीन आ रहे थे ये नीचे, तो ये आ गया वन पॉइंट थ्री, ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट। सेकेंड में एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं ये मैं सेकेंड पार्ट लिख रहा हूँ। सेकेंड पार्ट का फेवरेबल केसेस क्या होंगे भाई, इस केस में फेवरेबल केसेस ऑड नंबर के फेवरेबल केसेस वो आगे इक्वल टू हैं थ्री, सॉरी ऑड नंबर आई एम सॉरी वन थ्री फाइव, ये भी थ्री है भाई, इनको हम थ्री दें थर्ड यहाँ पर चलो नीचे लिखते हैं। सैम्पल स्पेस तो हमारा एन एस तो वही है, एन एस की वैल्यू तो आपको पता ही है सिक्स है, इसको तो हमें करना नहीं है, सिर्फ ये फेवरेबल केसेस निकालने हर केस में, तो फेवरेबल केसेस यहाँ पर वन थ्री फाइव थ्री आ गए थे, यानी एन ए यहाँ पर भी इवेंट ए को कोई भी इवेंट हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है, उसमें फेवरेबल केसेस का नंबर कितना होगा, तो एन ए मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस वो थ्री है, इस केस में भी थ्री है भाई, तीन है क्यों, ए तीन वन थ्री एंड फाइव तीन हो गए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए, टोटल नंबर ऑफ केसेस सिक्स हैं, यहाँ पर भी वन पॉइंट टू आ गई प्रॉबिलिटी, ये प्रॉबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, देयरफॉर प्रॉबिलिटी क्या आएगी, देयरफॉर प्रॉबिलिटी ऑफ ऑड नंबर सेलेक्टिंग एन ऑड नंबर
इक्वल टू हो गया 3/6, ये भी 1.3 आ गई, 1.2 सॉरी 1.2, मैं 1.3 क्यों कर दिया सॉरी, दिस इज 1.2 ओनली, यहाँ भी 1.2 थी, ये 3 1 3 3 2 6 सॉरी, मैं उसको 2 समझ गया, 2/6 समझ गया, आई एम सॉरी, 3/6 का मतलब 1.2 प्रॉबिलिटी है, इसकी भी 1.2 प्रॉबिलिटी आ रही है, 3/6 है 1.2, तो सेकेंड पार्ट भी डन हो गए, ये सेकेंड पार्ट था आपका। अब आते हैं थर्ड पार्ट, सर्वे यहाँ से करते हैं, ये सॉल्यूशन आप निकाल लें, सॉल्यूशन हम यहाँ निकाल लें, यहाँ निकाल लें, डजंट मैटर, चलिए यहाँ निकाल देते हैं, ऊपर निकाल लें, यहाँ पर अब एन ए का मतलब है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर पहला है ए नंबर डिविजिबल बाई टू, कौन कौन से नंबर हैं भैया, 2, 4 and 6, तीन है, इवन नंबर जितने दोनों तीनों थे, वैसे मैं सैम्पल स्पेस यहाँ फेवरेबल केस लिख देता हूँ, थर्ड के केस में फेवरेबल केसेस कौन कौन से हैं भाई, फेवरेबल केसेस सैम्पल स्पेस में लिख देते हैं 2, 4 and 6, ये तीनों ही जो डिविजिबल होंगे 2 से, इवन नंबर है 2 से डिविजिबल है, नंबर डिविजिबल बाई 2 तो ये 3 हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आ गए, एंस एन ए इक्वल टू 3, एन एस तो आपको पता ही है 6 है, ये भी 1.2 हो जाएगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 अ नंबर डिविजिबल बाई 2 तो ये आ गया 3/6 1.2, ये भी 1.2 आ गई। नेक्स्ट निकालनी है नंबर डिविजिबल बाई 3, उसकी प्रॉबिलिटी क्या है, चलो मैंने सब मिटा दिया, अब हम थर्ड के बाद फोर्थ पर आते हैं। अच्छा जी, फोर्थ में था आपके पास, मैं वहाँ देखना पड़ेगा, लोग ए नंबर डिविजिबल बाई 3, तो अब देखिए नंबर ऑफ फेव और फेवरेबल केसेस लिखिए, पहले फेवरेबल केसेस कौन कौन सी हैं, जो नंबर 3 से डिविजिबल हैं वो 3/6 ही होंगे, 2 2 हैं सिर्फ, इसका मतलब एन ए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इवेंट ए का कितना है, यहाँ ए इवेंट हर किसी को मानने हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एन ए का मतलब है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इन द इवेंट गिवन, वो कितने आ गए, 2 है भाई यहाँ पर, 3/6 2, एंड एन एस तो आपको बताइए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेज इन सैम्पल स्पेस वो 6 है, अब यहाँ पर 1.3 आएगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर डिविजिबल बाई 3 नंबर डिविजिबल बाई 3, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, डिविजिबल बाई उसकी प्रॉबिलिटी आएगी 2/6 1/3, यहाँ पर 1.3 आ रही है, सॉरी वो 1.2 आ रही थी अभी तक, ये 1.3 है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर, इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ, फिफ्थ पार्ट कहते हैं भाई, फिफ्थ पार्ट है इसका ए नंबर लेस देन 4, चलिए और नंबर मैं लिख देता हूँ, पहले ये बात नंबर लेस देन 4 मतलब लेस देन 4 ऐसे लिख देते हैं सिंबॉलिकली, इस केस में फेवरेबल केसेस क्या आएंगे भी, इस केस में फेवरेबल केस कौन कौन से होंगे, फेवरेबल केसेस इस केस में आएंगे नंबर लेस देन 4 मतलब 4 इंक्लूड नहीं है, वो है 1, 2, 3 ओनली, ये फेवरेबल केसेस हैं 1, 2 and 3, इसलिए कितने नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं भैया हमारे पास 3 हैं, एंड ए की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि 3 केसेस हुए केवल 1 से लेस देन 4, 4 से कम, ये 3 इवेंट हैं खाली 1, 2 and 3, 4 नहीं आएगा इसमें, इंक्लूड नहीं है 4, एंड एन एस आपको पता ही है 6 है, देयरफॉर probability of less than 4 number less than 4 is equal to 3/6 1/2, ये आंसर हुआ, ये इसका फोर्थ पार्ट हुआ जी। अब आते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, क्या कहते हैं फिफ्थ पार्ट, देखिए फिफ्थ पार्ट में है, फिफ्थ पार्ट कहता है ए नंबर, हाँ सॉरी फिफ्थ पार्ट था ये, फोर्थ पार्ट नंबर डिविजिबल बाई वो था, ये फिफ्थ हो गया, फिफ्थ पार्ट हमने अभी किया था, अब ये सिक्स्थ पार्ट है,
आप नंबर देखिएगा, क्वेश्चन सभी इस तरह करने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस निकालने होते हैं और नीचे टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालने पड़ते हैं, दोनों का डिवाइड करो प्रॉबिलिटी आ जाती है। और हमारे पास में फिफ्थ हमने कर लिया, ये नंबर लेस देन फोर, वो हमने थ्री अपॉन सिक्स कर लिया था, 1.2 आ गया था, ठीक है। ये फिफ्थ था, फोर्थ में था ये नंबर डिवाइड बाई थ्री, वो हमने थ्री एंड सिक्स, टू अपॉन सिक्स कर लिया था, 1.2 आ गया था, ठीक है, सॉरी 1.3 आ गई थी, 2 अपॉन 6 1.3, ये 1.3 थी। यहाँ पर तीन थे नंबर टोटल फेवरेबल केसेस, तो 3 अपॉन 6 1.2 आ गई थी। फिफ्थ में सिक्स्थ है ए नंबर लेस देन और इक्वल टू फोर, ये बात देखिए, ए नंबर, मैं लिख देता हूँ पूरा पहले, ए नंबर लेस और इक्वल टू फोर, तो फेवरेबल केसेस क्या होंगे इस केस में देखिए, तो फेवरेबल केसेस इस इवेंट में आ गए 1 2 3 4 भी इंक्लूड हो गए, लेस और इक्वल टू है ना, सभी लेसर वाले नंबर भी आएंगे और इक्वल टू यानी 4 भी आएगा, 4 हो गए टोटल। ये एन ए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं ए इवेंट के अंदर, 4, एन एस 6 है, एन एस मतलब 6, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी लेस और इक्वल टू 4 इक्वल टू है 4/6, हमेशा प्राइम नंबर्स में 2/3 आएगा प्रोबेबिलिटी, हमेशा 2/3 मतलब प्राइम नंबर टू चल लिखते हैं, कभी 4/6 आंसर नहीं है, इसको सिंपलीफाई करके प्राइम नंबर में को प्राइम टू चदर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमेशा को प्राइम के रूप में रखते हैं, दोनों को कैंसिल आउट करके जितना मिनिमम वैल्यू आती है वो हो सकती है, उसके आगे फर्दर डिवीजन नहीं होना चाहिए। 2/3 प्राइम नंबर है एक दूसरे के प्राइम, ये आंसर हुआ 2/3, तो ये सिक्स पार्ट हो गया। सेवन्थ एंड एट्थ दो पार्ट बचते हैं, चलिए सर सेवन्थ पार्ट देखते हैं और सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, सॉरी एट्थ पार्ट देखते हैं। इसका सेवन्थ पार्ट है, सेवन्थ पार्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, सेवन्थ पार्ट है ए नंबर ग्रेटर देन सिक्स, ए नंबर ग्रेटर देन सिक्स, ग्रेटर देन सिक्स तो भाई कोई है ही, जो आपने डाई थ्रू किया उसमें सिक्स नंबर तक तो होते ही नहीं, ग्रेटर तो कोई है नहीं, यानी सिक्स से बड़ा कोई नहीं, ग्रेटर देन सिक्स तो जीरो है, हैं यहाँ पर सैंपल केस क्या होगा, सैंपल केस सॉरी फेवरेबल केसेस, तो फेवरेबल केसेस क्या लिखेंगे आप, वो आ गया ब्रैकेट के अंदर ये जीरो कोई नहीं है, और एन ए यहाँ पर नंबर ऑफ एन स्मॉल लिखते हैं, एन ए कैपिटल।